I am Megha. Welcome back to my channel Bio Study Circle. In this video session, I am going to explain about the phylum Platyhelminths. I have made videos on the three phylums, that are Porifera, Cnidaria, and Ctenophora. If you want to know about these phylums, you can watch my previous video. So let's start this topic, that is phylum Platyhelminths. Platy का मतलब होता है broad, और we can say that flat, and helminths का मतलब होता है worms. तो इनमें जो सारे animals आ जाएंगे उनको हम flat worms भी बोल सकते हैं. Okay? इस phylum के जो animals हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? Flat worms. ये broad worms बोल देते हैं. Okay? क्योंकि ये tape की तरह flat होती है. इनकी structure जो है वो tape की तरह flat होती है. Okay? तो इस फाइलम में हम लोग प्लेनेरिया की एग्जांपल और टीनिया, जिसे हम टेप वॉर्म बोल देते हैं, और फेशियोला हेपेटिका, जिसे कि हम लीवर फ्लूक बोल देते हैं, इन तीन एग्जांपल्स से हम इस फाइलम को कवर करेंगे. ओके? तो सबसे पहले मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ, इस फाइलम को सबसे पहले ये टर्म किसने दी, सबसे पहले रिकॉग्नाइज किसने किया? गिगेनबोर. ओके? तो गिगेनबोर जो है उन्होंने सबसे पहले इस फाइलम को टर्म दी प्लेटीहेलमिंथ्स. तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे हैबिटेट ऑफ दिस फाइलम. हैबिटेट का मतलब होता है रहने की जगह. ओके? सो कहाँ रहते हैं ये? तो हमने डिस्कस किया था पॉरीफेरा में. पॉरीफेरा कहाँ रहते थे? अक्वाटिक एनिमल्स थे, पानी में रहते थे. ओके? और वो सिसाइल थे. सिसाइल मतलब वो अपने सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहते थे. फिर सिलेंड्रेटा की बात की. सिलेंड्रेटा जो है वो भी अक्वाटिक थे. ओके? तो प्लेटीहेलमिंथ्स जो है, मोस्टली प्लेटीहेलमिंथ्स जो है वो एंडोपैरासाइट्स हैं. एंडोपैरासाइट्स का मतलब होता है किसी की बॉडी के अंदर रह के सर्वाइव करना, जो कि बहुत डिफिकल्ट है. ओके? तो मोस्टली प्लेटीहेलमिंथ्स जो है दीज आर एंडोपैरासाइट्स. पर कुछ ऐसे प्रिमिटिव भी इस फाइलम से बिलोंग करते हैं जो अभी तक अक्वाटिक ही है, जैसे कि प्लेनेरिया. प्लेनेरिया जो कि है तो फ्लैट वॉर्म ही, प्लेटीहेलमिंथ्स में आता है, पर ये अक्वाटिक है. ओके? पानी में रहता है. जबकि एंडोपैरासाइट्स में जो एग्जांपल आ जाती हैं, जैसे कि टीनिया आ गई. टीनिया होता है टेप वॉर्म. ओके? एंड सेकेंड इज लीवर फ्लूक. लीवर फ्लूक क्या है? एंडोपैरासाइट है ये भी. तो ये दोनों जो एग्जांपल्स आ जाती हैं, टेपफॉर्म और लीवर फ्लूक, ये दोनों क्या है? एंडोपैरासाइट है. जबकि प्लेनेरिया जो है वो क्या है? अक्वाटिक है. ओके? तो हैबिटेट में आप लोग लिख सकते हो मोस्टली पैरासाइट, मोस्टली दीज आर एंडोपैरासाइट्स. ओके? बट सम आर फ्री लिविंग. पर कुछ ऐसे भी है इस फाइलम में जो फ्री लिविंग है, जो अभी तक अक्वाटिक है. ओके? जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, पॉन्ड्स में रहते हैं, रिवर्स में रहते हैं अभी तक. फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया, जो कि बेस्ट एग्जाम्पल है, जो कि फ्लैट वॉर्म है. हाँ, तो फ्लैट वॉर्म बल्कि, पर क्या है ये? पानी में रहता है. ओके? कहाँ रहता है? पानी में. ओके? नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बॉडी फॉर्म. तो इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की है? टेप की तरह है इसकी स्ट्रक्चर. ओके? फ्लैट है इसकी स्ट्रक्चर. सो दीज, इनकी स्ट्रक्चर जो है डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, फ्लैट स्ट्रक्चर है. ओके? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिमेट्री. किस तरह की सिमेट्री है इसकी? अभी तक हमने जितने भी फाइलम पढ़े, सभी फाइलम की किस तरह की सिमेट्री थी? किसी की रेडियल थी, जैसे पॉरीफेरा है, इसकी कोई सिमेट्री नहीं थी. ओके? सिलेंड्रेटा था, उसकी रेडियल सिमेट्री है. इसकी कौन सी सिमेट्री है? बायलेटरल सिमेट्री. बायलेटरल सिमेट्री मतलब दो इक्वल हाफ में ये डिवाइड हो सकते हैं. ओके? दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकते हैं. तो मैंने क्या बोल दिया, इसकी किस तरह की सिमेट्री है? बायलेटरल सिमेट्री. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. पॉरीफेरा ही एक ऐसा था जिसकी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी. देन इसके बाद जो फाइलम पढ़े उसमें क्या थी? टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन थी, अरेंजमेंट थी. पर प्लेटीहेलमिंथ्स जो है उनसे एडवांस है. एडवांस कैसे है? क्योंकि इसकी ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, इसकी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. जर्म लेयर की अगर बात करें, अभी तक तीनों फाइलम जो थे, तीनों फाइलम में डिप्लोब्लास्टिक था, डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर थी, मतलब दो दो लेयर्स प्रेजेंट थी, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म. जबकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीन लेयर्स प्रेजेंट है, कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. इसी वजह से इसे क्या बोल दिया गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर है इसकी. नेक्स्ट हम लोग जो चीज डिस्कस करने वाले हैं, इस बॉडी इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये सिलोमेट है या असिलोमेट है. सिलोमेट असिलोमेट है. पहले तो ये असिलोमेट का क्या मतलब होता है, कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं है बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, कोई स्पेस नहीं है. ओके, इसीलिए ये क्या है, असिलोमेट है. द बॉडी स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड ऑर्गन्स इज फिल्ड विद द कनेक्टिव टिश्यू. जो स्पेस है बॉडी वॉल के बीच में और इनके जो ऑर्गन्स पड़े हुए हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो खाली नहीं है, बिल्कुल स्पेस नहीं है उनमें, वो स्पेस कवर की हुई है कनेक्टिव टिश्यू ने. और उन कनेक्टिव टिश्यूज को हमने पैरेन्काइमा बोल दिया. इनका काम क्या होता है, फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना. तो असिलोमेट है ये. असिलोमेट मतलब सिलोम नहीं प्रेजेंट, कोई भी स्पेस नहीं प्रेजेंट. ओके, जो स्पेस थी उसको कवर कर लिया है कनेक्टिव टिश्यू ने. सो दीज आर असिलोमेट्स. जो प्लेटीहेलमिंथ्स हैं वो क्या है, असिलोमेट है. ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक को. तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है इनका. इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक का मतलब होता है सिर्फ एक ही ओपनिंग प्रेजेंट है, या तो माउथ या एनस. इसमें सिर्फ माउथ प्रेजेंट है, एनस प्रेजेंट नहीं है. तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है इसमें, और एनस जो है वो एब्सेंट है. ओके, नेक्स्ट स्केलेटल रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर एब्सेंट. ये जो सारे सिस्टम है वो एब्सेंट है. तो जो अगर मैं बात करूं टेप वॉर्म की या लीवर फ्लूइड की बात करूं, तो ये हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं. ये जो वॉर्म्स हैं, जब ये ह्यूमन में एंटर कर जाते हैं तो ये उनकी इंटेस्टाइन में रहते हैं. इनके पास हुक्स होती हैं, उन हुक्स को ये अटैच करवा लेते हैं हमारे इंटेस्टाइन से, क्योंकि हमारे अंदर पेरिस्टेलिसिस होती है. ओके, वो पेरिस्टेलिसिस की वजह से ये रिमूव ना हो जाए, इसीलिए ये अपनी हुक्स जो है उनको अटैच कर लेते हैं हमारी इंटेस्टाइन के साथ. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम. जो इसका नर्वस सिस्टम है, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम है. लैडर लाइक नर्वस सिस्टम है जो पहले वाला फाइलम था उससे थोड़ा एडवांस है. ओके, तो लैडर लाइक इसके पास नर्वस सिस्टम है. ब्रेन विद टू लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोर्ड्स, ब्रेन और दो लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोर्ड्स प्रेजेंट है इसमें. नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनमें फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है. फ्लेम सेल्स को हम सोलिनोसाइट्स या प्रोटोन नेफ्रीडिया भी बोल देते हैं. अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें, तो रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है. अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम लोग बात करें, तो इसमें बाइनरी फ्यूजन से होती है रिप्रोडक्शन. ओके, जबकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, दीज आर हर्मेफ्रोडाइट्स. हर्मेफ्रोडाइट्स का मतलब होता है दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है. सो दीज आर हर्मेफ्रोडाइट. रिप्रोडक्शन है वो दोनों टाइप की होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फ्यूजन होती है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दीज आर हर्मेफ्रोडाइट्स. दोनों सेक्स ऑर्गन जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है. ओके, नेक्स्ट सिर्फ टेप वॉर्म ही है, टीनिया सोलियम ही है जिसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है. ओके, नेक्स्ट ये भी हमने पढ़ लिया कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन की हेल्प से होती है, और इनमें रीजनरेशन होती है. रीजनरेशन का क्या मतलब होता है, रीजनरेशन का मतलब होता है
कोई एक पार्ट से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाना, जैसे प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया का अगर पार्ट कट हो गया तो उससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म अराइज हो जाएगा। ओके, तो ये रीजनरेशन शो करती है। नीट में भी क्वेश्चन आता है रीजनरेशन से रिलेटेड कि जो प्लेनेरिया है कि सब ऐसा कौन सा एनिमल है, ऐसा कौन सा प्लैटीहेलमिंथ्स में एनिमल है जिसमें रीजनरेशन सबसे ज्यादा होती है, तो क्या कौन सा है वो? प्लेनेरिया, जिसमें हाई पावर ऑफ रीजनरेशन है। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया को डिस्कस करेंगे। जो प्लेनेरिया, अब देखो प्लेनेरिया में एक हेड लाइक स्ट्रक्चर जो अभी तक किसी में नहीं थी, वो हेड प्रेजेंट है, जिसे हमने ऑरिक्यूलर प्रोसेस भी प्रेजेंट है और यहाँ पे हेड प्रेजेंट है। अभी तक किसी फाइलम में ऐसा नहीं हुआ, ये फर्स्ट फाइलम है जिसमें हेड की तरह एक स्ट्रक्चर बनी हुई है और आईज प्रेजेंट है। जो ये आई होती है इतनी डेवलप्ड नहीं होती, इसमें जो आई होती है वो इतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं होती, रूडिमेंट्री आईज होती है। ओके, इसकी जो आईज होती है वो क्या होती है? रूडिमेंट्री होती है। सिर्फ ये लाइट और डार्क को पता कर सकते हैं, सिर्फ लाइट और डार्क के बारे में कि ये लाइट में है ये डार्क में है, वही फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, प्लेनेरिया में पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे ज्यादा होती है। ओके, एंड दीज आर अक्वेटिक एनिमल्स, ये अक्वेटिक हैं, बहुत छोटा साइज होता है इनका, ये पानी में रहते हैं और स्पेशली फ्रेश वाटर में रहते हैं, पॉन्ड्स और रिवर्स में मिलते हैं प्लेनेरिया सबसे ज्यादा। ओके, दीज आर कार्निवोरस, ये कार्निवोरस होते हैं। नेक्स्ट जो है प्लेनेरिया के बारे में कि इनमें सबसे ज्यादा पावर ऑफ रीजनरेशन होती है और सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, माउथ। ओके, एनस नहीं होता, सिर्फ माउथ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्लेनेरिया है वो टर्बुलेरिया क्लास है, इससे बिलोंग करता है, टर्बुलेरिया क्लास से बिलोंग करता है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा टेपवॉर्म, टेपवॉर्म जो है वो ट्रिमिटोडा क्लास से बिलोंग करता है। इसमें तीन क्लासेस हैं, प्लैटीहेलमिंथ्स जो है फाइलम है, इसकी तीन क्लासेस हैं, कौन कौन सी? टर्बुलेरिया, ओके, ट्रिमिटोडा एंड सिस्टोडा। टर्बुलेरिया जो है उसमें एग्जाम्पल आ जाती है प्लेनेरिया की, प्लेनेरिया जो है वो टर्बुलेरिया में आ जाता है, और ट्रिमिटोडा जो क्लास है उसमें टेपवॉर्म की बात करेंगे हम लोग, जिसे टीनिया सोलियम बोल देते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? टीनिया सोलियम। ओके, और जो थर्ड क्लास है सिस्टोडा, सिस्टोडा में एग्जाम्पल आ जाती है लीवर फ्लूक की। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टेपवॉर्म की, ये टेप की तरह फ्लैट होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसी वजह से इसे क्या बोल दिया जाता है? टेपवॉर्म बोल दिया जाता है। ओके, सो टेपवॉर्म जो है ये जो लोग, जो पिग है, पिग में ये प्रेजेंट होता है, जो लोग पिग खाते हैं, ऐसी कंट्रीज जहां पे पिग खाते हैं लोग, उनमें ये एंटर कर जाता है, टेपवॉर्म एंटर कर जाता है और उनकी इंटेस्टाइन में अपनी हुक्स जो है वो इंटेस्टाइन में इंसर्ट कर लेता है ताकि हमारी बॉडी से ये रिमूव ना हो जाए। ओके, तो वहीं से ये अपना फूड लेता है। इससे जो डिजीज होती है उसे टीनियासिस बोल देते हैं, डिजीज होती है उसे टीनियासिस बोल देते हैं। सिमिलरली जो अगर हम बात करें फिशियोला हिपाटिका की, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीवर फ्लूक, इसे लीवर फ्लूक बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये शीप और गोट की लीवर के लीवर में या उनके बाइल डक्ट में ये मिलता है। ओके, ये जो पैरासाइट है ये रहता है। ओके, इसीलिए इसे लीवर फ्लूक बोल दिया जाता है। और इससे जो डिजीज होती है लीवर रोट बोल देते हैं उस डिजीज को। ओके, तो फिशियोलियासिस भी बोल देते हैं उस डिजीज को जो फिशियोला की वजह से होती है। इससे मस्कुलर पेन होना शुरू हो जाता है, मसल पेन होनी शुरू हो जाती है। ओके, तो ये क्या है? इस ये जो है बाइल, जो है बाइल डक्ट में ये पैरासाइट होता है, इसी वजह से ये बाइल डक्ट है उसको ब्लॉक कर देता है। ओके, तो ये सारी किसकी एग्जांपल थी? प्लेटीहेलमिंथ्स की एग्जांपल थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।